How to fix network or SIM card error in OPPO phone. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस एरर को आप अपने OPPO फोन में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यहां पे देखिए सीधा मैं सॉल्यूशन की ओर चले जाता हूं। यहां पे ये प्रॉब्लम हमें किस लिए शो करता है पहले तो थोड़ा बहुत वो डिस्कस कर लेते हैं। जब आपका सिम में जो है सिम नेटवर्क में आपका प्रॉब्लम आ जाता है या फिर मोबाइल का सेटिंग्स वगैरह गड़बड़ हो जाता है तब आपको वो प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो कैसे आप फिक्स करते हैं, इसका सॉल्यूशन कितना है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको चार सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा जिसके मदद से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन है, मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए, उसके बाद में चेक कीजिएगा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड सेटिंग जो है, आपको जो है सेटिंग्स पर जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग्स, उसके बाद में जाके दोस्तों आपका फ्लाइट मोड को एक बार ऑन कर दीजिए, फिर ऑफ़ कीजिएगा, उसके बाद में चेक करके देखिए, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दोस्तों, आपको अपना मोबाइल नेटवर्क या फिर सिम मैनेजमेंट कह लो वहाँ पे जाना है, उसके बाद में आपका सिम ये जो ऑन है उसे आपको एक बार ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करके दोबारा ऑन कीजिए और चेक करके देखिए। ये था आपका थर्ड सॉल्यूशन। अभी दोस्तों बाकी रह गया यहाँ पे जो है करियर का ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट जो है सर्चिंग का ऑप्शन इसे आपको एनेबल रखना है। अभी मैं आपको बताऊँगा थर्ड सॉल्यूशन जो है दोस्तों। थर्ड सॉल्यूशन दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने मोबाइल का सेटिंग्स पे जाना है, एडिशनल सेटिंग्स पे जाना है, उसके बाद में आपको बैकअप एंड रीसेट पे जाना है, उसके बाद में दोस्तों रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग पे जाना है। अभी यहाँ पे आपको ऑप्शन शो करेगा रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली, यहाँ पे क्लिक करके आपका मोबाइल का जितना भी सेटिंग्स है, चाहे वो नेटवर्क का सेटिंग्स हो, सिम का सेटिंग्स हो, वो सारे सेटिंग जो है कंपनी से जो आता है वही डिफॉल्ट सेटिंग बन जाएगा, आपको रीसेट करना होगा, आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व होगा ही होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कभी कभी टेक्निकल इश्यू के कारण से हमें ये प्रॉब्लम शो होता है, वो केस में तो आपको कस्टमर केयर से ही बात करना होगा, आपके सिम कंपनी का कस्टमर केयर। हो सके तो मैं आपको नीचे उनका टोल फ्री नंबर दे दूंगा या फिर आप गूगल में सर्च करके भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।